बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि नए साल के पहले दिन दिल्ली वालों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। ठंड ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज भी कोहरे की चादर से दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है, लेकिन इस बीच हल्की बूंदाबांदी ने ठंड और बढ़ा दी है। दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि आने वाले 3 दिन में दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, तो घने बादल दिल्ली एनसीआर में छाए हुए हैं। खबर आ रही है हल्की बारिश हो रही है दिल्ली और एनसीआर में, कई इलाके तरबतर हुए हैं बारिश की बूंदों से। कड़ाके की सर्दी दिल्ली और एनसीआर में, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका। इस बीच नए साल की शुरुआत कोहरे से हुई और उसके बाद साल का दूसरा दिन यानी कि 2 जनवरी और सुबह सुबह बारिश से दिल्ली और एनसीआर तरबतर। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, नए रिकॉर्ड भी कायम कर रही है ठंड। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही आशंका जताई थी कि कई इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश की संभावना पहले जताई गई थी, क्योंकि आसमान में बादल होने की वजह से शीतलहर में थोड़ी कमी आई है। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की तरफ पहुंचने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दो तस्वीरें, बारिश से ठंड और कोहरे का कहर, दोनों परेशान लोग। दिल्ली और एनसीआर का मौसम लगातार सर्द होता जा रहा है। हल्की बारिश, हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जताया था। 2 तारीख आज हो गई है, इसके बाद 3 और 4 तारीख को भी मौसम विभाग का मानना है कि बारिश हो सकती है दिल्ली और एनसीआर में। बादल यूं ही मंडराते रहेंगे, कई इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। यानी सीधा सीधा कि दिल्ली वालों को अभी ठंड का सितम और झेलना पड़ेगा। पारा लगातार गिरता जा रहा है, बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है, अभी और सताएगी ये ठंड। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर जब सुबह सुबह कोहरे से, घने कोहरे से लिपटी दिल्ली, जिसने नए साल का स्वागत किया, और उसके बाद आज दूसरा दिन जब हल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली और एनसीआर में हो रही है। बारिश ने भी ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली और एनसीआर में आने वाले 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, मौसम कैसा है बाहर का, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि आने वाले 3 दिन यानी कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। देखिए, मैं जो बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो है हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है। सुबह के वक्त कोहरा जरूर था, लेकिन अचानक से मौसम ने जो है वो एकदम से करवट ली है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली एनसीआर और इसके अलावा उत्तर भारत के अंदर दस्तक देगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों के अंदर बारिश जो है वो होगी, और वो नजर भी आ रहा है। अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली के अंदर बना रहेगा। बात करें दिल्ली की अगर अलग अलग इलाकों की, तो इस वक्त दिल्ली के कई अलग इलाके जैसे कि ईस्ट दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, साउथ दिल्ली के कई इलाकों के अंदर, नोएडा के अंदर खास कर है, वहां पर बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है और मौसम में अचानक से करवट जो है वो ली। हालांकि कल जिस तरीके से तापमान काफी हद तक नीचे गिर गया था, उससे सुबह के वक्त मिजाज जरूर मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, हालांकि शनिवार का दिन है, वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, और तो ऐसे में ज्यादा लोग हालांकि घरों में ही होंगे, लेकिन सुबह सुबह बारिश की वजह से ठंड जरूर पड़ गई है। सुशांत हमारे से भी जानकारी दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।